हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीटेट का फॉर्म स्टार्ट हो गया है 31 अक्टूबर से और ये चलने वाला है 24 नवंबर तक। तो जिन भी लोगों ने, जो भी सीटेट के एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दें। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें। सो सीटेट की वेबसाइट से आज हम एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि क्या कुछ नया है और साथ ही सीटेट के सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहुँच चुके हैं सीटेट की वेबसाइट पर। यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको पब्लिक नोटिस और न्यूज़ एंड इवेंट्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सेक्शन है फर्स्ट वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, जिसे हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ नया होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा PDF जो है वो डाउनलोड हो चुका है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ नया है। सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का ड्यूरेशन क्या होगा और फी सबमिशन की लास्ट डेट भी आपको यहाँ पर दी गई है। 25 नवंबर लास्ट डेट है इसकी। इस बुलेटिन में दिए गए इंपॉर्टेंट नोट्स में सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या होंगी वो सारा कुछ दिया है। फिर फॉर्म का प्रोसीजर, कैसे आप अप्लाई करेंगे, डेट्स, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और कब एंड होगा, पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद मेथड ऑफ सबमिशन आपको स्टेप वाइज दिए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे ये सारा कुछ, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर और उसी के साथ साथ ऑनलाइन अपलोडिंग इमेजेस का, कैसे आप अपलोड करेंगे इमेजेस को, क्या उनका साइज़ होगा, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। और आपको दिया है यहाँ पर पेमेंट का जो है स्ट्रक्चर, जनरल और OBC के लिए फीस का कैसे क्या स्ट्रक्चर है, इसी के साथ साथ SC ST और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं उनके लिए फ़ीस कैसी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस PDF से मिल जाएगी। सो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो हमें समझना होगा कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कंटेंट का। तो यहाँ पर देखिए, Paper 1 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर Class 1 to 5 एंड Paper 2 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर Classes 6 to 8। एंड वन थिंग, अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल्स विल हैव टू अपियर इन बोथ द पेपर्स। Paper 1 और Paper 2 दोनों में आपको प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है अगर आप 1 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं सिंपली। सो यहाँ पर Paper 1 के लिए आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया है देखिएगा, फर्स्ट जो है आपका CDP का 30 marks एंड 30 MCQs। इसी तरीके से लैंग्वेज फर्स्ट जो कि आपकी कंपल्सरी रहेगी 30 marks एंड 30 MCQs, सेम मैनर में लैंग्वेज सेकेंड रहेगी 30 marks एंड 30 MCQs। इसी तरीके से मैथमेटिक्स एंड EVS का पोर्शन आपका होने वाला है। इसी के साथ साथ इस पे फोकस किया गया है मेनली NCERT पर। सो यहाँ पर देखिए, जैसे कि लिखा भी हुआ है, द टेस्ट आइटम इन मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज विल बी फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड पेडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑल दी सब्जेक्ट एरियाज। द टेस्ट आइटम विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट डिविजन ऑफ द सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब फॉर द Class 1 to 5 बाई द NCERT। और इसी तरीके से आप Paper 2 का भी जो है स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हैं, जो आपके 2.5 hours का पूरा स्ट्रक्चर है कंटेंट का, वो यहाँ पर आपको पूरा प्रोवाइड किया गया है। देखिएगा, पहला है आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का, ये भी 30 marks एंड 30 MCQs रहेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड। इतना पोर्शन आपका Paper 1 की तरह ही सेम रहने वाला है, बस थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। और उसके बाद देखिए, जो चौथा पार्ट आपका होगा यहाँ पर मैथ और साइंस का होगा, मैथ साइंस वालों के लिए जिनका आर्ट्स है, सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस उनका रहेगा। सो ये आपका पोर्शन होने वाला है 60 marks का और 60 MCQs इसमें रहेंगे। सो मैथ और साइंस वालों के लिए बेसिकली साइंस और मैथ जो है आधे आधे क्वेश्चंस रहेंगे। इसी तरीके से सोशल साइंस वालों के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन 60 मार्क्स में ही कवर अप हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये भी पेपर आपका 150 मार्क्स का होने वाला है और 150 MCQs इसमें होंगे। इसके बाद में जो नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बात को आप ध्यान से पढ़ें, आपको पता चलेगा कि किस लेवल का कैसा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। क्वेश्चन पेपर जो है आपका वो बायलैंग्वल होगा, हिंदी इंग्लिश बोथ में अवेलेबल होगा आपके लिए। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम की वैलिडिटी, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है, वैलिडिटी पीरियड के बारे में बताया गया है। सो सभी कैटेगरीज़ के लिए लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है, द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट एग्जामिनेशन सिटी ऑफ डियर चॉइस विल बी अलॉटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस इज़ ओनली एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप
स्टार्टिंग में फॉर्म भर देते हैं तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस को जो भी होगी उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, और लास्ट में कोई भरोसा नहीं है कि अगर जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं और आपकी सीट्स की अवेलेबिलिटी ना हुई तो सेंटर आपका दूर भी जा सकता है, इसलिए स्टार्टिंग से ही अप्लाई कर दें। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था नोटिस में भी, पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर ही आपको यहाँ पर सेंटर चॉइस जो है दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा एग्ज़ाम के पहले। इसी के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इसका स्ट्रक्चर है और कंटेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम इस डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्टेज के लिए, क्लास 1-5 के लिए जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और जो लोग दोनों के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को, क्योंकि इसके बाद हम जूनियर का जस्ट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी प्राइमरी स्टेज से। इसमें पहला पार्ट जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही पेडागॉजी के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। पहला है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, जिसमें पहला आपका टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर पेरेंट्स एंड पीयर्स, पियाजे कोलबर्ग वैगोस्की, कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, देन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट। ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ स्पेशल नीड्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस के ये भी 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रहेंगे, और लर्निंग एंड पेडागॉजी के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि पेडागॉजी का कुछ पोर्सन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है वो सभी सब्जेक्ट्स में आपको वर्क करेगा, और कुछ पर्टिकुलर सीडीपी के पेडागॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारी जो लैंग्वेज फर्स्ट होगी उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारे 15 क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ साथ पेडागॉजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हमारे 15 क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपको कुछ टॉपिक दिए गए हैं। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में अगर हम देखें तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसन में रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 passages, 1 prose और ड्रामा एंड 1 poem विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रहेंसन, इन्फ्रेंस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। इससे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ग्रामर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ग्रामर के नाम पर केवल आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जैसे कि किसी पैसेज से उठा करके कोई ग्रामर का क्वेश्चन रख दिया, तो इस तरीके से ही आपको ग्रामर मिलेगी, 1-2 marks का हो सकता है उसी में बीच पे। बाकी आपको मेनली कॉम्प्रहेंसन पैसेज से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपको 2 passages दिए जाएंगे, एक आपका प्रोज का होगा या फिर ड्रामा हो सकता है, और दूसरा आपका पोएम होगा। यहाँ पर एक बात फोकस करेंगे कि ज़्यादा ग्रामर को ध्यान में रखते हुए आप सीटेट के एग्ज़ाम को नहीं देंगे, क्योंकि सीटेट में ग्रामर नहीं पूछी जाती है। आपका मेन फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ पैसेज पे लैंग्वेज के लिए, और उसमें से आप क्वेश्चन को कैसे पॉइंट आउट करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे आप वहाँ पे चूज़ करते हैं, ये स्किल्स आपको आनी चाहिए। यही चीज़ आपको लैंग्वेज सेकंड में भी करनी है। हाँ, पेडागॉजी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है दोनों ही सब्जेक्ट्स की, जो भी आप लेते हैं लैंग्वेज सेकंड के लिए, बेसिकली संस्कृत या इंग्लिश उर्दू ऐसा ही लिया जाता है। तो यहाँ पर आप जो भी अपनी लैंग्वेज लेते हैं उस पर जो है फोकस रखें, और ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए जाते हैं लैंग्वेज सेकंड के लिए। 2 unseen प्रोज के पैसेज रहेंगे आपके विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंसन। देखिए, जो आपका ग्रामर का पोर्शन बनेगा वो आपका बनेगा उसी पैसेज में से। जो पैसेज यहाँ पर आने वाले हैं 2, उन्हीं में से कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी का टेस्ट आपका वहीं पर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के भी होंगे, लर्निंग एंड एक्विजिशन, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। यहाँ पर ये पूरा पोर्शन आपका जो है पेडागॉजी का। इसके बाद मैथमेटिक्स आएगी, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट में मेन न्यूमेरिकल टाइप होंगे, बाकी 15 जो होंगे वो आपके पेडागॉजिकल क्वेश्चन होंगे। देखते हैं यहाँ पर टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ने की कोशिश करिएगा जब आप सीटेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं केवल सीटेट के लिए। उस टाइम पर आप फोकस रखें कि जब आपका एग्ज़ाम टाइम का केवल 2 months रिमेनिंग है और आपको सारा कुछ हैंडल करना है, तो उस टाइम पर आप अपना सिलेबस देखें। आप अपने मैथ्स में पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, तो उससे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। फिर आपको फोकस करना है उन चैप्टर्स पे जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है ज्योमेट्री, दूसरा है सेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, फिर आपका दिया है
सॉलिड अराउंड सर्स, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। इसके अलावा कोई भी चैप्टर आपका नहीं आने वाला है, सो एक्स्ट्रा चैप्टर्स पे अपना दिमाग जो है मत लगाएं, ताकि वहाँ से आपका टाइम बच सके। और पेडागॉजिकल इशूज़ को आप देख लेंगे, लैंग्वेज इन मैथमेटिकल्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एरर्स एनालिसिस, ये सारा कुछ यहाँ पर पूछा जाता है। और यूपीटेट में हालांकि कुछ टॉपिक्स ज़्यादा रहते हैं जो न्यूमेरिकल वाले, तो वहाँ से आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो है सीटेट के लिए आप बेसिक फोकस रखेंगे, जो यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनने वाला है। इसके बाद देखिए, ईवीएस के लिए कंटेंट आपको दिया है फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक टू डू। सो ये सारा कुछ आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा। आप किसी भी छोटी क्लास में 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी उठा लीजिए, जो हमारा पर्यावरण नाम से, आवर एनवायरनमेंट नाम से बुक आती है, वो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे। आपको वहाँ पर पूरे चैप्टर वाइज समरी मिल जाएगी, उसको आप जल्दी से ख़त्म भी कर सकते हैं, पतली सी बुक्स रहती हैं एनसीईआरटी की। सो पेडागॉजिकल इश्यूज़ को आप देख लेंगे, ईवीएस के लिए कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो आपका पेपर टू रहेगा, उसमें भी सेम मैनर में आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में दिया है, पहला सीडीपी, फिर उसकी पेडागॉजी, और उसके बाद में आपको दूसरा रहेगा आपका लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन सेम मैनर में आना है, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम। इसी तरीके से इसकी पेडागॉजी 15 नंबर की, और उसके बाद में आपकी आ जाती है लैंग्वेज सेकंड 15 नंबर में क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि पैसेज से ही होंगे, और उसी पैसेज से आपको कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी। दूसरा रहेगा आपका पेडागॉजी का पोर्शन 15 नंबर का, सेम मैनर में आपकी मैथमेटिक्स रहेगी, और मैथमेटिक्स में आपके चैप्टर्स देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के हैं पेपर टू के लिए, यहाँ पर आपके लिए मैथमेटिक्स खास हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको कुछ चैप्टर्स ज़्यादा मिलेंगे, नंबर सिस्टम से है, नंबर सिस्टम है पूरा, अलजेब्रा रहेगी, ज्योमेट्री रहेगी, मेंसुरेशन वगैरह है, डाटा हैंडलिंग भी है, और फिर उसके बाद आपको पेडागॉजिकल इश्यूज़ मिलेंगे, जो कि आपको मैथमेटिक्स के लिए रेडी करने हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथमेटिक्स के, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, साथ ही 10 क्वेश्चन आपके पेडागॉजिकल इश्यूज़ से होंगे। इसके बाद में देखिए, साइंस का कंटेंट आपको दिया है यहाँ पर, चैप्टर्स फूड, मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क्स, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद में 10 क्वेश्चंस आपके पेडागॉजिकल इश्यूज से होंगे। और सोशल स्टडीज और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर देखिए कंटेंट हिस्ट्री का पूरा दिया हुआ है, हिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, और इसी के साथ साथ जियोग्राफी, जियोग्राफी के बाद सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, और उसके बाद में पेडागॉजिकल इश्यूज़। सो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी आपको एनसीईआरटी से ये सारा कंटेंट मिल जाएगा, और वहीं पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपकी अगर एक बार समझ अच्छी है तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखें, और वहाँ पर देखें कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, उसी के बेस पर आप अपनी तैयारी को जज करें, और अब समय के अकॉर्डिंग क्या क्या आप कर सकते हैं उसका प्लान बनाएं, और जल्दी से तैयारी को स्टार्ट कर दें। और जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वो जल्दी से पहले फॉर्म फिलअप कर दें, ताकि लास्ट में आपको कोई इशू ना आए, और आपके पास केवल काम एक बचे, जो कि है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। सो वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वारीज अगर आपकी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें।